नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएनबी गिल्ड्स के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, पीएनबी गिल्ड्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट अभी अभी जस्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो क्या रहे नतीजे और शेयर चूँकि 52 वीक हाई के काफ़ी करीब पड़ा है, तो पूरी एनालिसिस देखिए दोस्तों और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो अपनी एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कैसे रहे नतीजे। यस, सबसे पहले पीएनबी गिल्ड के प्राइस एक्शन देखिए। प्राइस एक्शन दोस्तों 52 वीक के लो है 34 रुपीज़ के आसपास का है और 94 रुपीज़ का 52 वीक हाई है। शेयर बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी का शेयर है। अभी अभी मीटिंग आउटकम्स आए, तो क्या मीटिंग आउटकम रहे? सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड दिया है कंपनी ने, 3 रुपये का डिविडेंड दिया है जो कि फेस वैल्यू से 30%। और अगर प्राइस से देखें तो 86 रुपीज़ का शेयर है, तो वहाँ से लगभग कह सकते हैं कि 3-4% का शेयर देखने को मिल रहा है। तो 3 रुपये का एक बढ़िया डिविडेंड यहाँ पे आपको मिल रहा है। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट लेटर ऑन अनाउंस होगी, अभी कोई डिविडेंड रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं इनके रिजल्ट्स पे। अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस देखिए दोस्तों, तो जंप यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू जो ये सारे फिगर लैक्स में है, 18405 हो गए हैं, जो कि लास्ट ईयर से देखें तो लगभग लास्ट क्वार्टर से देखें तो इनकम आधी के लगभग हो चुकी है। लगभग 45% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी दोस्तों लगभग 30% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इनकम में डिक्रीज है। टोटल एक्सपेंसेस इस बार ज़्यादा हुए हैं, तो इस बार दोस्तों जो कंपनी प्रॉफिट में थी वो कहीं ना कहीं और लॉस में आती हुई नज़र आ रही है बिफोर टैक्सेशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 307 करोड़ का लॉस हुआ है, और जो कि पहले कंपनी प्रॉफिट में थी और लास्ट ईयर भी प्रॉफिट में थी, तो इस बार इनको लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंसर्निंग है, बिग कंसर्निंग है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर हम देखें, एक्सेप्शनल आइटम और जोड़ लें, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 1180 के हो गए हैं। और अगर हम टैक्सेस और निकाल दें तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स या लॉस फॉर द पीरियड्स देख सकते हैं, वो लगभग कह सकते हैं 1413 हो चुके हैं। अगर हम टैक्सेस वगैरह और मिला लेंगे तो लॉस कहीं ना कहीं डीप होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका सीधा सीधा दोस्तों अर्निंग पर शेयर पे फ़र्क पड़ेगा। जो लास्ट टाइम 52 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर थे, वो अब मात्र यहाँ पे देखिए जो 9.28 अर्निंग पर शेयर थे वो 0.79 रह गए हैं, और 5.50 जो लास्ट ईयर भी थे उससे भी डिक्रीज है। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं है, कह सकते हैं कि बहुत सेटबैक नज़र आता है रिजल्ट में। अच्छा रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है। तो अगर हम इसके चार्ट पे देखें, कैंडलिस्टिक चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, डिविडेंड ज़रूर कंपनी ने दिया। यहाँ पे दोस्तों देखिए, वन ईयर का मैंने चार्ट पर्सपेक्टिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर का जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा अपसाइड हो चुके हैं। तो अभी एक करेक्शन, एक डिप आ सकती है, आपको दोस्तों होल्ड करना चाहिए 78 का स्टॉप लॉस लगा के, या अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। करंटेबल एक डिप आ सकता है इसमें, तो 78 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड रखिए, या जब ये शेयर दोस्तों 60 रुपये के आसपास आए, 60-65, तभी इसमें फ्रेश बाइंग करिए। रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक को फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।